हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ज़्यादा इमोशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। देखो ये सारी रिएक्शन 2019 में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा रिएक्शन है? देखो पहले रिएक्शन कह रही आगजेली कमले से फार्मिंग कमले बताओ। आपको जब भी कोई रिएक्शन दी जाती है कि इससे ये बनाओ, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो आपको आगजेली कमले का सूत्र पता होना चाहिए, COOH। और ये यहाँ पे भी COOH, ये होता है आगजेली कम्ल का फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है? आगजेली कम्ल का, ठीक है। आगजेली कम्ल का फार्मूला होता है, आगजेली कम्ल का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? आगजेली कम्ल का फार्मूला पता है। अब आपको फार्मिक कम्ल का पता होना चाहिए। फार्मिक कम्ल का तो पता ही होगा, HCOOH, ये होता है फार्मिक कम्ल का फार्मूला, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तुम कैसे जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ कैसे जाना पड़ेगा? देखो जब हम इसकी क्रिया करेंगे ग्लिसराल की उपस्थिति में, जैसे ग्लिसराल की उपस्थिति में गर्व करेंगे, और कितने तापमान पर गर्व करेंगे? जब ग्लिसराल की उपस्थिति में इसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर से क्या बनेगा। ये आगजेली कम्ल का फॉर्मूला है, ग्लिसराल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्व किया, तो हमें बनाना क्या? HCOOH। तो देखो ये HCOOH, ये क्या है? HCOOH है आपका, H हो जाएगा COOH। तो हमने HCOOH निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, कितनी आसान रिएक्शन थी। हमने ग्लिसराल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया, जिससे क्या बना यहाँ पे? HCOOH निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बस आप जब भी कोई रिएक्शन करो तो आपको क्या बताना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाना है, ये आपको तो लिखा ही होता है, लेकिन आपको उसका सूत्र बताना चाहिए कि इस सूत्र से इस सूत्र में जाना है, ठीक है। तभी आप रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो। तो आपको उस फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आगेली कम्ल का आपका फार्मूला पता था, फार्मिक कम्ल का पता था, आप पहुँच गए वहाँ तक। अब आपको पता ही नहीं कि फार्मिक कम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कैसे आगेली कम्ल से फार्मिक कम्ल बनाओगे, ठीक है। तो आपका फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। आप कह रहे हैं बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। अब हमें बेंजल्डिहाइड से कहाँ जाना है? सिनेमिक एल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का आपको फार्मूला बताना चाहिए, क्या होता है? C6H5CHO, ये जो होता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है। और सिनेमिक एल्डिहाइड का क्या होता है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये जो होता है सिनेमिक एल्डिहाइड का फार्मूला है, क्या होता है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, और ठीक है। तो ये होता है सिनेमिक एल्डिहाइड का, और ये होता है बेंजल्डिहाइड का। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, देखो कैसे जाएंगे। हम इसमें लगाएंगे क्लेजन संघनन। क्या लगाएंगे? क्लेजन संघनन, ठीक है। क्लेजन संघनन लगा देंगे, और उससे क्लेजन संघनन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये तो आपको पता होगा, आपको बताया भी जा चुका है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो C6H5CHO की क्रिया जब हम एस्टरडिहाइड से करेंगे, CH3CHO, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा। जब C6H5CHO की CH3CHO से करेंगे, तो देखो यहाँ पे, देखो एस्टरडिहाइड बेंजल्डिहाइड से हमें कहाँ जाना है? यहाँ पर। तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया हमने किससे की? एस्टरडिहाइड से CH3CHO से, ठीक है। जब CH3CHO से करेंगे तनु, और यहाँ उपस्थिति किसकी रहेगी? तनु NaOH की, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के एस्टरडिहाइड से क्रिया करेंगे तनु NaOH की उपस्थिति में इसे फिर गर्म कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखो हमें बेंजल्डिहाइड से यहाँ जाना है, तो हमने बेंजल्डिहाइड की क्रिया किससे की? एस्टरडिहाइड से, C3CHO से, और उसे तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म किया। तो देखो यहाँ पर से हमें बनाना है ये, तो अब देखो कैसे बनाएगा। C6H5CH, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है C6H5CH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा? डबल बॉन्ड और CH CHO। अब देखो ये कैसे बना, यहाँ पर ये ओ आपका बच चुका है, ठीक है। देखो ये ओ बचा है, यहाँ तक आपने ले लिया C6H5CH डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर से आपने दो एच निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? CH, और यहाँ CHO बाहर निकल चुका है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया? दो एच आपने बाहर कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा है? CH बचा, CH CHO, ये बचा हुआ है। दो एच आपने बाहर निकाल लिए, ठीक है। तीन एच से दो एच बाहर निकाल लिए, CH CHO बचा, तो वही आगे जाके जुड़ गया CH डबल बॉन्ड, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, और आपका यहाँ पे क्या बचा? H2, और ये O, तो क्या निकल गया? जल बाहर निकल गया, बस। तो देखो कितनी आसान रिएक्शन थी। बस आपने क्या किया? आपको ये पता है कि ये आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपने क्लेजन संघनन क्रिया लगा दी, बेंजल्डिहाइड की क्रिया एस्टरडिहाइड की, तनु NaOH की उपस्थिति में इसे गर्म कर दिया, जिससे C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया और जल बन गया। तो ये बन चुका है हमारा सिनेमिक एल्डिहाइड। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अब देखो एस्टरडिहाइड से हमें जाना है कहाँ? क्लोरल में। तो एस्टरडिहाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस्टरडिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3CHO, ठीक है। तो ये जो होता है ये एस्टरडिहाइड का फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, होता है। अब क्लोरल का क्या होता है? क्लोरल का होता है CCl3CHO, ठीक है। ये एस्टरडिहाइड का होता है, ये क्लोरल का होता है CCl3CHO। अब आप देख रहे हो आपको दोनों का फॉर्मूला पता है, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप कैसे जाओगे?
आप देख रहे हो यहाँ पे H3 है, यहाँ पे Cl3 है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ H3 है और यहाँ Cl3 है, केवल इतना ही फर्क। और पूरा सूत्र देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किससे करेंगे, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन ही हमें इसमें लगाना है। तो हम किससे क्रिया कर देंगे, क्लोरीन से, ठीक है। तो क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CCl3CHO में बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 6 क्लोरीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर से क्या हुआ, CCl3CHO निकल चुका और यहाँ 3H बचे हैं। तो 3H हमने लिख लिए और Cl कितने बचे हैं, 3, ठीक। तो Cl कितने बचे हैं, 3। देखो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 हाइड्रोजन हो गए, और Cl कितने थे, देखो 3 Cl यहाँ से बचे और 3 Cl यहाँ आ गए, 6 Cl है यहाँ पे, 3 Cl ये, 3 Cl ये, ठीक है, 3HCl निकला है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं थी, कितनी आसान रिएक्शन थी, हमने स्टर्डियाइड क्लोरीन से क्रिया कर दी और हमने क्लोरल बना लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड का सूत्र पता है, क्लोरल का सूत्र पता है, आपने निकाल लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये थे तीनों रिएक्शन 2019 में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग तो लाइक ही नहीं करते, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।